तो आज हम तरंगों के लास्ट पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग ये आता है, जब दो या अधिक तरंगें माध्यम के अंदर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर मिलती है तो माध्यम के कण का कुल विस्थापन तरंगों के कुल विस्थापन का सदिश योग होता है, अर्थात y इक्वल टू y1 प्लस y2 डैश डैश yn। तो देखिए, माध्यम में जब भी कण का कोई तरंग आती है तो माध्यम के कण का कुल विस्थापन उनके सदिशों के विस्थापन का सदिश योग के मान के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और इस अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत से तीन घटनाएं होती हैं। जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इससे एक तीन घटना होती है, और तीन प्रकार की घटनाएं होती है। ये तीन घटनाएं हैं, नंबर एक व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या आ जाता हमारे पास, जब दो लगभग समान आयाम किंतु पूर्णतः समान आवृत्ति की तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर
व्यक्ति हैं जिनके संचरण की दिशा समान होती है, समान होती है तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ पर तीव्रता न्यूनतम होती है, इसे व्यतिकरण कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब दो तरंगे जिनके आयाम लगभग बराबर है लेकिन आवृत्ति पूरी तरह से बराबर है किसी एक ही दिशा में चलती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है। मान लीजिए ये पहली तरंग जा रही है, ये दूसरी तरंग जा रही है, तो यहाँ पर जो परिणामी तरंग बनेगी ये बनेगी, इसका आयाम बढ़ जाएगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, ये आ जाता है, ये परिणामी आयाम आपका ये आ गया प्लस ए और ये कितना हो गया माइनस ए के इक्वल। अब कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए दो तरंगे ऐसे हो तो एक ये जा रही है दूसरी आपके पास ये जा रही है, तो जो परिणामी तरंग बनेगी उसका आयाम आपके पास ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये परिणामी तरंग होगी जिसका आयाम कम होगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ठीक, यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर आ नहीं रहा है। विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। देखो बच्चों, मैं एक बार आपको और बीट बता रहा हूं। ठीक है, तो टेक्निकल इश्यू इज देयर, थोड़ा सा माइक ऑफ हो गया था, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि व्हाट इज बीट। तो बीट्स में क्या होता है, जब लगभग दो तरंगें जिनकी आवृत्ति में बहुत अंतर नहीं होता, यानी लगभग समान आवृत्ति की तरंगें जो एक ही दिशा में चलती हैं और माध्यम में अध्यारोपित होती हैं, तो एक ही बिंदु पर तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, इस घटना को या उतार चढ़ाव को मैं बीट्स बोलता हूं, एवं यह बीट्स
आवृत्ति कहलाती है, तो बीट आवृत्ति एन बराबर होता है एन वन माइनस एन टू। ये दो घटनाएं के बारे में आपको बताया है। तीसरी जो घटना होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव या अप्रगामी तरंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा बच्चों।